ब्रॉडकास्ट में क्या कुछ आज सावन भी चल रहा है, इसमें क्या कुछ शेयर किया आपने? सो बहुत अच्छा था शार्दुल के साथ पॉडकास्ट, एंड सबसे अच्छी ये बात है दैट ही इज़ यंग, डायनामिक है, और उसने डिसाइड किया कि स्पिरिचुअलिटी पर एक पॉडकास्ट करना है, शिव पर एक पॉडकास्ट करना है, एंड बहुत अच्छा था जिसमें शिव कौन है मैं थोड़ा सा बता पाई, शिव को किस तरह से हमें एक्सपीरियंस करना है वो मैं बता पाई, सावन का महीना है ये बता पाई कि शिव सिर्फ पानी चढ़ाने से या दही और पंचामृत चढ़ाने से खुश नहीं होंगे, शिव के लिए वो भाव होना बहुत ज़रूरी है, जिस भाव से हम कुछ अर्पण करें या ना भी करें तो भी चलेगा। तो बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और खूब सारा आशीर्वाद शार्दुल को। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? शार्दुल के ब्रॉडकास्ट पे आए हैं, क्या कुछ अनफिल्टर्ड बातें करने वाले हैं? यस, आई थिंक हम तो बहुत बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं शार्दुल को बहुत सालों से जानता हूँ, मैं जब भी अपने फिल्म के प्रमोशंस के लिए आता था तो मैं उनसे मिलता था, ही इज़ बीन अ वंडरफुल गाय। तो जब उनका कॉल आया मैंने बोला कि ऑफकोर्स ये करेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि मैं शायद कैंसिल कर दूंगा लास्ट मोमेंट पर मैंने बोला कि नहीं भाई, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं करके रहूँगा। सिलसिला की बात करें, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है और ये सीजन का ऐसा शो बना है कि हर कोई इसे इसके फिनाले का बेसब्री से वेट कर रहा है। जी, तो कुछ बताना चाहेंगे विनर कौन है? वेल, अगर मैं बता दूंगा कि विनर कौन है, पहली बात तो मैं MTV की नौकरी से सैक हो जाऊंगा, दूसरी बात यह है कि कोई फिनाले देखेगा नहीं, और तीसरी बात है कि वो जो एक एक्साइटमेंट हम लोग ने जो बरकरार रखा है पिछले चार साढ़े चार महीनों से, वो सब एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक लेट्स जस्ट वेट, अभी 11 अगस्त को फिनाले एयर होने वाला है, तो ऑल आई कैन से कि बहुत धमाकेदार फाइनल है, और जो कपल ने जो सीजन जीता है दे आर वर्दी विनर्स ऑफ द शो, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। आपने जनता जूरी की एपिसोड देखे होंगे, यू नो पायरेट्स एंड ऑल? एक्चुअली वो मैंने मिस किया क्योंकि मैं लिटरली आज सुबह थाईलैंड से लौटा हूँ, बट वो थोड़े मैंने स्निपेट्स इंस्टाग्राम पे देखे, मुझे पता चला कि दिग्विजय और शिवित के बीच में कुछ हुआ था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं हुआ क्या, मैं उन सबसे अभी दो दिन में मिलने वाला हूँ, वी हैव अ स्पिरिचुअल इवेंट हैपनिंग, तो मैं डेफिनेटली बैठ के पूछूंगा कि भाई हुआ क्या। यस, तो अभी 30 अगस्त को KK मैनन के साथ मेरी एक वेब सीरीज़ है मुर्शिद करके, वो Z5 पर रिलीज़ होने वाली है, उसके बाद एक पिक्चर है वेब के लिए बनी गई है जॉनी जंपर करके, उसमें मैं जॉनी जंपर का किरदार निभा रहा हूँ, उसमें ब्रिजेंद्र कालरा, विजय राज, जाकिर हुसैन और सरीना वहाब भी शामिल है। अपलॉज के लिए अभी एक शो मैंने रिसेंटली शूट किया राहुल देव के साथ, और त्रिदा चौधरी, निकिता अम्बोली और दिव्या अग्रवाल के साथ एक बहुत क्यूट सी पिक्चर है जो पपी लव है, एंड राइट नाउ आई एम शूटिंग फॉर द सेकंड सीजन ऑफ राणा नायडू विद वेंकटेश सर एंड राणा रघुपति एंड सुरवीन चावला ऑन नेटफ्लिक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पॉडकास्ट तो बहुत ही अच्छा लगा, आई मीन शार्दुल इज़ अ फ्रेंड, और मुझे बहुत खुशी है कि वो इतना ओरिजिनल कंटेंट ला रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है दुबई से आके, यू नो पूरे दिन 24 घंटे शूट करना, इट इज़ नॉट ईजी, बट अगेन आई नो दैट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और इस तरह से नए नए कॉन्सेप्ट लाना, लोगों से बातें करना, उनको अप्रोच करना, एंड आई लव हिज ओरिजिनल कॉन्टेंट, इन फैक्ट आई एम फैन ऑफ हिज पॉडकास्ट, तो मैं तो डेफिनेटली जब भी उसका एपिसोड बाहर आता है तो मैं देखती हूँ, और आज मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसके साथ पॉडकास्ट करूँ, सो आई एम रियली हैप्पी, एंड बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ आपकी हमारा, एंड आई एम होपिंग कि सबको पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें उसका चैनल। थैंक यू मैम। माइक मैं जानना चाहूँगी आफ्टर खतरों के खिलाड़ी कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन लोगों का प्यार मिल रहा है, अभी तो दो ही एपिसोड्स बाहर आए हैं, मतलब दो हफ्ते के एपिसोड्स बाहर आए हैं, और उसमें भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और क्या हुआ, अच्छा उसमें भी लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बुला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अभी और भी जर्नी देखेंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। नियति, मैं जानना ये भी चाहूँगी फर्स्ट एपिसोड कैसे आया, बहुत ज़्यादा धमाका
प्रोमो तो सब लोग देख के शॉक हुए, बट आपसे जानना चाहूंगी कैसा रिएक्शन, क्या वो जेन्युइन रिएक्शन था आसिम रियाज का जो सारे कंटेस्टेंट के सामने निकला? हाँ ऑफ कोर्स, नहीं नहीं जो भी आपने देखा वो तो जेन्युइन ही था। इनफैक्ट काफ़ी कुछ तो एपिसोड में दिखाया नहीं, वो एडिट कर दिया, बट अगेन किसी ने कुछ बोला नहीं था, ट्वीक नहीं किया था किसी ने, इट वाज ऑल रियल ओनली व्हाटएवर यू सॉ, इट वाज जस्ट दैट किसी ने सोचा नहीं था कि बात इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाएगी। जिस तरीके से कंटेस्टेंट हम देख रहे हैं काफ़ी सीनियर लोग भी हैं इसमें, जैसे शिल्पा शिंदे हैं, तो उनकी वजह से भी आप लोग रोते हुए भी नज़र आए क्योंकि उन्होंने बायस इन्होंने डिसीजन लिया नंबरिंग का? आई नो, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया वो आशीष और अदिति को किया, क्योंकि उनके पास फ्लैग्स भी नहीं थे और यू नो उनका नंबर भी एकदम लास्ट में था, बट आई थिंक इट वॉज प्योरली हर डिसीजन। मेरा भी नंबर लेट ही था, आई थिंक आई वॉज ऑन 6th नंबर और 7th नंबर, बट हाँ इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई मीन स्टंट, जो टीयर गैस वाला स्टंट था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, एंड हैट्स ऑफ टू आशीष एंड अदिति जो इतनी देर तक 20 मिनट्स तक उन्होंने वो एंड्योर किया। शार्दुल पे आते हैं तो कैसा रहा आज का ब्रॉडकास्ट, कितना अनफिल्टर बातें हुई? अनफिल्टर बातें तो बहुत हुई है, आई मीन चाहे रिलेशन को लेके हो या कास्टिंग काउच को लेके हो या खतरों के खिलाड़ी में जो रिएक्शन था उसको लेके हो, तो बातें तो बहुत सारी अनसेंसर्ड हुई है एंड आई एम होपिंग कि सबको पसंद आए। तो बिग बॉस करना के बारे में भी नाम उठ के आ रहे हैं आपके, क्या कुछ इसमें क्लैरिटी है, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं नहीं नहीं, तो बातें तो कब से हो रही है, लाइक यू नो अप्रोच करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है बिग बॉस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शो है, क्योंकि वो एटलीस्ट 2-3 महीने चलता है शो, और प्लस यू नो बिना फैमिली के आपको रहना पड़ता है, और मैं बिग फैमिली पर्सन हूँ, मुझे फैमिली के बिना बिल्कुल नहीं चलता, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिले? नहीं, फिलहाल तो ऐसा मैंने कुछ कॉन्क्रीट शो अभी लिया नहीं है, अगर कुछ लूँगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों से जानना चाहूँगी कैसी बात, ओके किस तरीके का अनफिल्टर क्वेश्चन हुआ और अनफिल्टर्ड बातें हुई आप दोनों के? अनफिल्टर्ड मेरा नहीं, किसी और का, अनसेंसर्ड। जवाब हम देंगे तो शो कौन देखेगा? अभी पहले भी आपने मुझसे, मैं बताता हूँ आपको, सवाल में बता देता हूँ, जवाब आप लोग देख लीजिएगा। तनुज कितना कमाते हैं, तनुज ने कितने अफेयर्स किए हैं, तनुज किस किस लड़की से नफरत करते हैं, कौन कौन इंडस्ट्री में उनसे जलता है, ये सारे सवाल हमने पूछे उनसे, और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्या बात है, क्लिक बेट, हाँ। तनुज आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं पूछे, मैं ये बताना चाहूंगा कि यू नो यू सी दिस इंजरी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट तनुज even after this injury came for the shoot, because honestly I wasn't expecting ek aur celebrity hamare jinka bhi wo ho gaya, and she didn't come, and I was like bro you're coming, like literally coming, and that is very sweet, that just shows that you know he's such a sweet guy. अनसेंसर्ड की बातें हो रही है तो कुछ तो बताना चाहेंगे कि तनु सर की कुछ सीक्रेट बातें हमें देखने को मिलेंगी? ये स्नीकर हेड है, मैंने ये भी बोल दिया कि मैंने कई बार शो सिर्फ पैसों के लिए किया है बस। कौन सा? वो जानना चाहेंगे, वो तो नहीं बताऊंगा, वो आप मेरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए। ओके ओके, सो लास्टली कुछ कहना चाहे ऑडियंस को आप अपने शो के रिलेटेड? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यू नो देयर्स अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट हैपनिंग, एंड बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं, आई एम अ फैन ऑफ अ लॉट ऑफ देम। दिस इज वेरी डिफरेंट स्पेस दैट वी आर क्रिएटिंग, बिकॉज क्या होता है, देयर्स अ लॉट ऑफ ड्रामा दैट्स हैपनिंग ऑन पॉडकास्ट, लॉट्स ऑफ फियर दैट इज बीइंग सोल्ड कि भूत पिशाच ये वो, एंड लॉट ऑफ प्रिटेंस, यू नो आई मुझे प्रिटेंस बिल्कुल नजर नहीं। या आई वॉन्ट पीपल टू कम ऑन द शो हु आर वेरी रियल, लिटरली शॉट विद दिस थिंग, and I want that side. If I had to be pretentious, I would have got some brand over here, you know. Correct. Uska bhi main thoda chhap leta. Correct. Maine nahi chhapa. Because kya hota hai na, jitne bhi actors ko dekhte ho, wo log ya to ek script follow kar rahe hain, ya unko ek role follow karna hai, ya ek darja. Like if he's hosting, he has to be the host. Here you will see the uncensored version of him. That how is he as a friend? The mask is off. Yeah, the mask is off. Aur bahut acha hai. Thank you guys.
Thank you so much. Thank you.